अब बात कर लेते हैं इफ स्टेटमेंट। हम यहाँ पे आपको मैंने 25 वर्ड बताए थे जो मैंने कहा था कि आगे यूज आएंगे कोडिंग में, तो वो 25 वर्ड का आज यूज आपको, 25 तो नहीं लेकिन तीन उनमें से आज आपको पढ़ने को मिलेंगे। कौन कौन से? इफ, एलिफ एंड एल्स। ये तीन का हम एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे इनका यूज किया जाता है कोडिंग में, और इनका उपयोग ट्यूपल के साथ करेंगे, इनका उपयोग हम लिस्ट के साथ करेंगे, इनका उपयोग हम डिक्शनरी में करेंगे, हम टर्नरी ऑपरेटर देखेंगे पाइथन में कि टर्नरी ऑपरेटर से हम बड़ी बड़ी कोडिंग को छोटा कैसे कर सकते हैं और बिल्कुल देर में काम आपका बन जाएगा। शॉर्ट सर्किट क्या होता है पाइथन में, ये भी हम देखेंगे, और चलिए सारा कुछ बाद में देखेंगे, पहले हम कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक हम क्या करेंगे, एक हम एक प्रोजेक्ट आपके सामने बनाएंगे कि ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाओ कि यदि कोई पर्सन हो, अगर वो इंडियन हो और इसकी उम्र 18 साल से अधिक हो, तो उसको वोट को अलाउ कर दो, और जो ना हो उसको वोटिंग को अलाउ ना करो। ऐसा फंक्शन कैसे बनेगा? आपको ऐसा फंक्शन बनाना है, ऐसी मतलब प्रोग्राम बनाना है, तो कैसे बनाओगे? बस सिंपल सा लिखो, अब यहीं पे यूज आएगा इसका, ठीक है ना। तो इंडियन है यानी कि ट्रू, इंडियन क्या है? ट्रू है यानी कि हाँ चलो इंडियन है। और एज कितनी होनी चाहिए? एज कितनी होनी चाहिए? अच्छा एक चीज़ याद रखना कि जो वेरिएबल बनाते हो ना वो केस सेंसिटिव होते हैं, अगर ये बड़ा बना दिया तो फिर जो नीचे यानी कि जब प्रिंट करेंगे तो वो भी उतना ही बड़ा बनना चाहिए। एक एक चीज़ का एक चीज़ गड़बड़ की तो ये केस सेंसिटिव होता है, वेरिएबल आपका मैच नहीं करेगा, एरर दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एज जो हम रखेंगे वो कितने रखेंगे? 18 साल, ठीक है। तो यहाँ पे 18 साल हमने एज कर दी, और यहाँ पे जो है अब यहाँ पे हम इसको दूसरी लाइन में ले जाएंगे। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। क्या कंडीशन लिखेंगे? कि इफ एज इज ग्रेटर आर इक्वल देन 18 एंड, देखिए पहली कंडीशन हमने कहा लिखी कि 18 साल उम्र हो या 18 साल से ज़्यादा हो। अब हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है, मैंने आपको बताया था ना एंड ऑपरेटर का जब यूज़ किया जाता है तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, पिछले एपिसोड देख कर आइए, ठीक है। बीच में कूदोगे तो समझ कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, एज कितनी है? 18 साल से हो जाता हो या फिर 18 साल ही हो, आप क्या करते हैं? इंडियन भी हो। ये हमने एक दो कंडीशन लगाई, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मैंने रेशियो का चिन्ह लगा दिया। अब हम करेंगे प्रिंट। अब आप कहोगे प्रिंट शुरुआत से काहे ने किया, बीच से काहे कर दिया? देखिए ये इंडेंटेशन कहलाता है, ये इतनी जगह आपको छोड़नी ही पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है कि आप इससे अटैच कर रहे हो, ये कंडीशन को आप इससे प्रिंट करवा रहे हो। अब अगर यहाँ पे प्रिंट कर दोगे तो उसका मतलब कुछ अलग हो जाएगा, उसका मतलब ऊपर वाली लाइन का अलग हो जाएगा। यदि इन दोनों लाइन को एक ही में आपको जोड़े रखना है तो प्रिंट जो है इंडेंटेशन का आपको उपयोग करना पड़ेगा, यानी इतनी जगह आपको छोड़नी ही पड़ेगी। इतना समझ लो अभी के लिए, आगे मैं बताऊंगा ये क्यों छुड़वाई जाती है, मेन लॉजिक इसका इतना ही है, अभी समझ लो प्रिंट। अब प्रिंट हमें क्या करना है कि एनीबडी कैन वोट। तो मैंने यहाँ पे एक प्रिंट करना है, अगर ये दोनों कंडीशन सही हो तो उसमें लिख के आ जाए कि एनीबडी यू कैन वोट कर दें। एनीबडी क्या होता है? यू कैन वोट, यानी कि जो प्रोग्राम चलाएगा उसके सामने ये लिख कर आ जाए यू कैन वोट या यू कैन नाइन वोट। तो मैंने क्या किया, इफ एज इज ग्रेटर आर इक्वल देन 18 एंड इंडियन प्रिंट यू कैन वोट और एल्स। देखिए इफ तब लिखा जाता है जब कंडीशन मैंने लगाई, अब else लिखना है कि अगर ऐसा ना हो तो का प्रिंट करना है, मतलब कुछ तो बताना है ना कि चुप्पे थोड़ा बढ़ जाना है। तो अब मुझे ये बताना है कि अगर ऐसा कंडीशन, अब देखिए एक चीज़ याद रखना एंड ऑपरेटर लगा है तो इसमें जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक ये प्रिंट करेगा ही नहीं, इफ वाले के साथ जो प्रिंट लगा है, जब दोनों कंडीशन ट्रू ट्रू हो जाएंगी, क्योंकि ट्रू एंड ट्रू का ही जो आउटपुट है वो ट्रू आता है, तब ये प्रिंट करेगा यू कैन वोट। अगर इसमें से एक भी गड़बड़ हो गई तो प्रिंट ही नहीं करेगा, फिर क्या कर देगा ये प्रिंट, फिर ये कर देगा एल्स, यानी कि जब कुछ भी ना मैच करे, यानी कि एक भी क्या मतलब दोनों जब मैच नहीं करेगा तो वो एल्स वाला प्रिंट कर देगा। और एल्स में आपको क्या करना है, जिसकी ये कंडीशन ना फुलफिल हो रही हो उसमें लिख दो यू कैन नॉट वोट। तो बन गया हमारा एक फंक्शन यू कैन नॉट वोट, जो बड़ी बड़ी साइटों में आप लिख के देखते होगे वो सारा कुछ ऐसे ही फंक्शन बनाया जाता है, ठीक है। तो यही उसके पीछे सारा, जो आगे तो आपको यूआई कुछ अलग दिखती होगी लेकिन पीछे जो बनाया जाता है वो ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे और देखते हैं क्या होता है। तो देख लीजिए इसने प्रिंट कर दिया है यू कैन वोट, क्योंकि क्या था, मैंने यहाँ पे इंडियन रखा था वो भी ट्रू था, और एज जो थी वो भी 18 साल थी, और देख लीजिए इसने प्रिंट कर दिया है यू कैन वोट, यानी कि अगर मैं कोई प्रोग्राम में ये चीज़ बना दूँ, अगर ये लिख दूँ
तो वो इसी तरह से काम करने लगेगा। तो ये मैंने एक प्रोजेक्ट तरीके का आपको बनाया और मैंने आपको समझाया कि इफ का यूज क्या होता है, एल्स का यूज क्या होता है, इंडिटेशन क्या होता है। अब हम एक और इसका यूज देख लेते हैं जो कि जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, एलिफ। अब मैंने कहा था ना कि इफ का बताऊंगा, एल्स का बताऊंगा, एलिफ का बताऊंगा, एलिफ तो अभी यूज ही नहीं किया, तो एलिफ का भी देख लेते हैं। तो बस एक प्रोग्राम बनाते हैं, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 30, नेक्स्ट लाइन। अब हम क्या करेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ए इज ग्रेटर देन सी, समझते रहना, देखते रहना दिमाग से, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी का हो जाएगा, ए सबसे बड़ा हो जाएगा, सिंपल सा है ना, उसमें कोई बहुत बड़ा समझने का नहीं है। ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि जब ए बी से बड़ा होगा और सी से बड़ा होगा तो ग्रेटेस्ट नंबर तो हो ही जाएगा, ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन ऐसा ना हो, अभी देखिए फंक्शन खुद बता देगा कौन बड़ा है कौन नहीं बड़ा है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस फोर्डिंग करनी है। एल्स नहीं, अब एलिफ लगेगा, एलिफ, क्योंकि हम दूसरी कंडीशन भी लगाने जा रहे हैं। अभी तक क्या हमने देखा था पहले वाले में कि एक ही कंडीशन लगाई थी, उसमें मैंने दो कंडीशन और लगा दी थी, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे उसमें भी बात नहीं बन रही, तो एक एक कंडीशन और जोड़ देंगे, टोटल कंडीशन हमारे पास 4 कंडीशन बना दूंगा। तो देखिए कैसे होगा, बी इज ग्रेटर देन सी एंड बी इज ग्रेटर देन ए, ये देखिए आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी इज ग्रेटर देन सी एंड बी इज ग्रेटर देन ए, तो फिर क्या होगा, बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, प्रिंट B इज ग्रेटेस्ट नंबर, बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, दो कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी। अब हम लगाएंगे यहाँ पे एल्स, मान लो अगर ये दोनों कंडीशन ना फुलफिल हो रही हो, यानी कि A भी बड़ा नहीं है, B भी सबसे बड़ा नहीं है तीनों में से, तो फिर कौन बड़ा होगा, C लगा दे, तीसरी कंडीशन आ गई, तो प्रिंट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखिए इतना बड़ा मैंने कोड रेडी कर दिया, ठीक है, अब देखते हैं क्या ये बताता है। तो आप बताइए, अच्छा है ए बी और सी में कौन बड़ा है, ए 10 है, बी 20 है, सी 30 है, हमें भी नहीं पता है कि कौन बड़ा है, 30 बड़ा है, आपको भी पता होगा। अब देखें प्रोग्राम क्या बताता है, सही बताता है गलत बताता है। देखिए अगर सही लॉजिक से बनाओगे प्रोग्राम तो सही ही बताएगा, अगर कुछ गड़बड़ कर दोगे, ध्यान रखना एक एक चीज का, क्योंकि ये नहीं कि इसमें एक भी चीज़ आपकी छोड़ दी जाएगी, एक गड़बड़ की पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। देख लीजिए इसने ऑटोमेटिक बता दिया सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, वाकई में ग्रेटेस्ट ही है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको तीनों के यूज केस बता दिए, इफ का यूज बताया, एलिफ का यूज बताया, एल्स का यूज बताया। अब इनको हम जरा ट्यूपल, लिस्ट और डिक्शनरी में देख लेते हैं कैसे इनका यूज किया जाता है। तो ट्यूपल में, तो ट्यूपल मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, लेकिन अब मैं इनका ट्यूपल में यूज देख लेता हूँ। तो मैं एक ट्यूपल बना लेता हूँ, तो ट्यूपी ईयर, तो ट्यूपी वन नाम का एक ट्यूपल बना लेता हूँ। ट्यूपल की खासियत क्या होती है, स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा होता है और इसमें मैं कुछ एलिमेंट घुसेड़ कुछ देता हूँ, ए बी सी, ठीक है, ये ट्यूपल बन गया, कामा नहीं लगा है, लगा देना वरना गड़बड़ हो जाएगा। प्रिंट कर देते हैं ट्यूपल वन को, ए बी सी को इसने प्रिंट कर दिया। आप देखिए इसमें हम इफ का यूज करेंगे, कैसे करेंगे, इफ ए इन ट्यूपल, ए मैं ए इन ट्यूपी वन या ट्यूपल वन जो कह लीजिए, तो If A in TOP 1, मैंने क्या लिखा, If A in TOP 1, तो प्रिंट करो A is present in TOP 1, A is present in tuple 1, ठीक है। तो अभी ये बता देगा कि अगर अगर A अगर TOP 1 में होगा तो ये ऑटोमेटिक बता देगा कि प्रेजेंट है, और अगर नहीं प्रेजेंट हुआ हो तो
तो अभी तो उसको कुछ को बताना है कि क्या प्रिवेंट करना है, क्या इसे ही छोड़ देना है। तो एल्स भी आप लगा सकते हो नीचे कि अगर ना प्रेजेंट हो, यानी कि एल्स एल्स एज नॉट प्रेजेंट इन ट्यूपल वन, लेकिन हम उतना नहीं जाएंगे, आप करके अपना देख लेना, हम बस ऐसे ही प्रिंट कर देंगे। तो इफ़ ए इन ट्यूपी वन प्रिंट ए इज प्रेजेंट इन ट्यूपल वन, तो ये चूंकि स्ट्रिंग है तो इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा अंदर वाली, ठीक है ना। डेटा टाइप डिफाइन करना बहुत जरूरी है, वरना एरर ऐसे ही आता रहेगा, एज प्रेजेंट इन ट्यूपल ट्यूपल वन, इसने बता दिया है ऑटोमेटिक, आपको करने की कोई जरूरत नहीं। अब इसमें हम चाहते तो एल्स भी लगा सकते थे, तो अगर नहीं प्रेजेंट होता तो वो बता देता है, लेकिन हम जब लंबे प्रोग्राम लिखते हैं तब करते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हमने नहीं लगाया, ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, अब हम किस में यूज देखेंगे, अब हम लिस्ट में यूज देखेंगे। तो एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, लिस्ट वन और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसमें हम रखेंगे 25, 15, 15 और 20। एक हम दूसरी लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट दो, इसमें भी हम कुछ एलिमेंट रख देते हैं, तो 50, 75, 100 रन करा देते हैं। तो ये हमने रन करवा दी, इफ़ 25, अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ 25 इन लिस्ट वन, इफ 25 इन लिस्ट वन एंड 50 इन, देखिए स्पेस देते रहना है, इन लिस्ट टू, रेशियो जरूर आखिरी में लगा देना है। प्रिंट, अब प्रिंट क्या करना है, अगर देखो 25 प्रेजेंट हो लिस्ट एक में, 50 प्रेजेंट हो लिस्ट दो में, देखिए गड़बड़ हो गया, टी नहीं लगाई है यहाँ पे, हाँ तो अभी देखिएगा, अगर 25 प्रेजेंट हो लिस्ट एक में, 50 प्रेजेंट हो लिस्ट दो में, तो प्रिंट कर दो, का प्रिंट करना है, कौन सा डाटा टाइप का प्रिंट करना है, स्ट्रिंग, तो वो चीज़ खास ध्यान रखो वरना फिर गड़बड़ कर देगा। तो प्रिंट कर दो कि 25 एंड 50 आर प्रेजेंट इन लिस्ट वन एंड टू एंड लिस्ट टू, बस इतना ही तो करना है, और देख लीजिए प्रिंट कर देगा, 25 और 50 आर प्रेजेंट इन लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, वाकई में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट ना होते, अगर इसमें मान लीजिए लिस्ट एक में 25 जो है लिस्ट एक में प्रेजेंट होता और 50 लिस्ट दो में प्रेजेंट ना होता, तो ये वैल्यू को प्रिंट ही ना करता, क्योंकि एंड का सिंपल सा रूल है कि ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू जो आउटपुट निकलेगा वो प्रिंट करेगा, आउटपुट ट्रू करेगा, वरना ये प्रिंट ही नहीं करेगा। मैंने आपको जो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे उसमें बताया, मैंने बताया हुआ था, ठीक है। अगर यहाँ पे हम और ऑपरेटर का यूज़ कर देंगे और, तो क्या करेगा, तो ये अगर एक में भी वो रूल फॉलो हो रहा होगा, यानी कि एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही होगी तो भी ये प्रिंट कर देगा, और का मतलब यही होता है कि एक बात बात सुनो बाकी जाओ बाड़ में, तो ये इस तरह से ये काम करता है। अब हम देखेंगे, तो हमने लिस्ट के साथ भी देख लिया, अब इसका हम जरा डिक्शनरी में यूज देख लेते हैं, किस तरह से हम इसको डिक्शनरी में भी यूज ला सकते हैं। तो एक हम यहाँ पे डिक्शनरी बना लेते हैं, तो डिक्शनरी D1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे एप्पल और यहाँ पे मैंने रेशियो का चिन्ह लगाया, वैल्यू रख देते हैं 500 कामा ऑरेंज और मैंने यहाँ पे 1000 और फिर कामा और इतना ही रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं। चलो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूँगा D1 को, उसने ऑटोमेटिक देखिए प्रिंट कर दिया एप्पल 500 उसको सबको, ठीक है ना। अब इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ D1 एप्पल यदि D1 में जो की है एप्पल वो अगर 500 है, कितनी है 500, अगर बराबर 500, देखिए एक चीज़ याद रखना,
बराबर इसमें हमेशा डबल रखा जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अर्थ में लॉजिकल ऑपरेटर्स में बताया था, याद रखना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर D1 में जो की है एप्पल वो अगर 50 है, सॉरी 50 नहीं 500 करना है वरना प्रिंट ही नहीं करेगा, अगर 500 है तो हमें क्या कर दो, तो जो है फाइव हंड्रेड है तो प्रिंट कर दो, तो D1 और यहाँ पे हम यूज करेंगे इस तरह का एप्पल और लगा देंगे खुल का चिन्ह और D1 फिर वही चीज एप्पल देखते रहिए अभी समझ आ जाएगा, पहले मुझे कोड लिख लेने दीजिए। प्लस 100 वन 10,000 कर देते हैं 10,000 और प्लस मैंने 10,000 कर दिया और प्रिंट D1। तो इसने देखिए क्या किया, देखिए ध्यान से, मैंने इसमें कंडीशन लगाई इफ D1 यानी कि D1 जो वेरिएबल है, D1 जो डिक्शनरी है, उस D1 में जो एप्पल की है यदि उसकी वैल्यू 500 है तो प्रिंट करो कि D1 जो एप्पल जो की है उसमें 10,000 जोड़ दो, यानी कि बराबर देखिए D1 एप्पल इज इक्वल टू D1 एप्पल प्लस 10,000 कर दो। अगर ये सारा कुछ खेल डिपेंड करता है 500 पर, अगर इक्वल हो एप्पल की जो की है उसकी वैल्यू जो है 500 हो, तब अगर ये यही नहीं होगा तो ये पूरा जो प्रोग्राम है वो चलेगा ही नहीं, वो फंक्शन चलेगा ही नहीं, सिंपल सा एरर दिखा देगा, ठीक है। तो पूरा डिपेंड करता है यहाँ पे। तो देखिए चूंकि 500 प्रेजेंट था इसलिए इसने जो है एप्पल में 10,000 जोड़ दिए। सिर्फ एप्पल में ही नहीं, आप इस तरह से कोई भी चीज़ में कुछ भी करवा सकते हो, इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके उपयोग में ला सकते हो। इफ एल्स का उपयोग इससे बेहतरीन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आप इसमें एल्स भी लगा सकते थे अगर ये कंडीशन ना फुलफिल हो, हालांकि वो बड़ी बड़ी चीज़ों में आप लगा सकते हो ताकि अगर एरर ना है और वो एल्स को भी प्रिंट कर दे। तो हमने देखिए यूज जो है ट्यूपल में देखा, लिस्ट में देखा, डिक्शनरी में देखा, अब हम यहाँ पे देखेंगे जो है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट देखने वाले हैं, तो शॉर्ट सर्किट को यहाँ पे देखेंगे। तो शॉर्ट सर्किट दरअसल कोई नई प्रॉब्लम नहीं है ये, दरअसल ऐसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने एक आपने एज इक्वल टू 5/0 लिखा, एज इक्वल टू 5/0 लिखा और हमने प्रिंट किया क्या, हमने प्रिंट किया 5/0 हमने प्रिंट किया और इसे मैंने ऐसे कर दिया। तो इसने देखिए क्या चीज़ की, ये देखिए हम शॉर्ट सर्किट पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम शॉर्ट सर्किट पाइथन में पढ़ रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो उसको अभी छोड़िएगा, ठीक ना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, मैं जल्दी खत्म करूंगा। शॉर्ट सर्किट इन पाइथन, तो शॉर्ट सर्किट को पहले देख लीजिए, हमने एज इक्वल टू लिखा 5/0। अच्छा एक बात बताओ, 5 को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, इनफाइनाइट आता है, यानी कि अनंत आता है, यानी कि डिवाइड ही नहीं होता है। क्यों नहीं डिवाइड होता है, क्योंकि यदि आप गंभीरता से देखो जा करके तो 0 कुछ नहीं है, और कुछ नहीं को तो कुछ में भाग करोगे तो फिर वो कभी कुछ कुछ कभी कुछ नहीं क्या बन सकता है, सॉरी। तो यहाँ पे ऐसे समझो कि 5/0 आप करोगे तो वो कभी भी डिवाइड ही नहीं होगा, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, कच्चा दो का लड़का भी जानता है, सब जानते हैं 5/0 डिवाइड ही नहीं होता है, ये सिंपल सा रूल है। तो इसीलिए जो है ये हमारा पाइथन जो प्रोग्राम है वो भी बता देता है कि ये क्या पूछ रहे हो, मतलब ऐसा तो होएगा ही नहीं, यानी कि डिवाइड होएगा नहीं 0 से। तो यहीं पर शुरू होती है शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम। तो बना लेते हैं फंक्शन और देखते हैं ये शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम होती क्या है। दरअसल इसका नाम ऐसा ही नहीं पड़ गया, उसके पीछे एक रीजन है, इफ ट्रू आर 5/0 इफ ट्रू आर 5/0 प्रिंट ट्रस्टेड इंडियन। तो अब सुनो, मैंने यहाँ पे कंडीशन बनाई है कि यदि ट्रू हो या 5/0 डिवाइड हो जाए तो इसमें आप समझोगे कि 5/0 है तो ये तो प्रोग्राम एरर दे देगा, रन ही काय करेगा, तो क्या लगता है आपको चलेगा प्रोग्राम? देखिए ये प्रोग्राम जो है वो चल जाएगा, क्यों चल जाएगा और ये एरर भी नहीं देगा, इसके पीछे रीजन इतना है कि ये सिर्फ ट्रू को उठा लेगा और ये 5/0 को काउंट ही नहीं करेगा, यानी कि इसको
शॉर्ट कर देगा, यानी कि इसको छोड़ देगा, इसको इग्नोर कर देगा, इसे ट्रू को देखेगा आगे, फिर इसे चलाएगा ही नहीं, यानी कि ये सिर्फ ट्रू को देखेगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि और जो ऑपरेटर होता है उसमें यदि एक भी वैल्यू, एक भी कंडीशन, दो कंडीशन में से अगर ट्रू हो जाती है तो प्रिंट कर देता है सिंपल सा। तो यहाँ पे जो है 5.0 पर अगर वो जांच करता तो वो इसमें एरर डाल देता, लेकिन उसने क्या किया, उसने पहले ट्रू उठा लिया और सीधे इसमें वो प्रिंट कर देगा कि ट्रस्टेड इंडियन। उसने 5.0 पर उसने देखा ही नहीं, उसने बस ट्रू उठा लिया। इसी को हम प्रॉब्लम को कहते हैं शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम, कि उसने बस ट्रू पे ऑपरेशन अपना चलाया, 5.0 को देखा ही नहीं, और इस चक्कर में हमारी कोडिंग रन हो गई और इसी का फायदा उठाया जाता है हैकर्स के द्वारा। यही चीज़ें होती हैं जो हैकर्स एक फायदा हमेशा उठा लेता है इन चीज़ों का, इन छोटी छोटी गलतियों का जो आप कर देते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय। ये छोटी छोटी गलतियाँ आपकी एक हैकर को मौका देती है कि उस सिस्टम में आपके घुस जाए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, देख लीजिए जिसने ट्रस्टेड इंडियन काम कर दिया, ठीक ना। तो कुछ गलतियाँ हमारी लैंग्वेज में भी होती हैं, जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आपको पता ही होनी चाहिए, वरना कभी भी कोई भी फायदा मार देगा। तो इस तरह से शॉर्ट सर्किट की समस्या मैंने आपको समझाई, सब कुछ समझाया, काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ाई। कल हम देखेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स से, और आज का वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका होगा। तो वीडियो यदि अच्छे लगते हो, समझ आता हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और आपका फर्ज है कि इसको जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।